पहली गल मैं करना चाहूंगी, मिस्टर मान दे वाइफ डॉक्टर गुरप्रीत मान इज प्रेग्नेंट, ओ तीजी वारी बाप बन जा रहे। मिस्टर मान कंग्रेचुलेशंस, तुसी फिर तो प्यो बन चले हो। डिवोर्स का रीजन इन्होंने ये दस्या सी कि मेरी वाइफ चाहती सी कि मैं पॉलिटिक्स दे विच ना जावां। डिवोर्स दे काफी रीजनस ने ते ओ मेरे मॉम दी स्टोरी है दसन नू, जद ओ रेडी होए ओ जरूर दसनगे, पर कुछ रीजनस मैं दस दिनी। इमोशनल ब्लैकमेल साडे नाल करदे सी इह कि यू नो रोक के दिखाता, असी जवाक सी उदों सानू नहीं पता सी, रोक के दिखाता तो असी क्या ओके यू नो आ गल होगी अच्छा सॉरी। अज भी मैं देख रही हाँ कदे किसी दे जवाक नू गल ला के रो रहे हैं, किसी लेडी नू गल ला के रो रहे हैं, ओवें इमोशनल ब्लैकमेल अज पंजाब दे लोकां नू कर रहे हैं सिंपथी लैण वास्ते। मैं सिर्फ यही दुआ कर सकती हाँ कि वह जवाक की जिंदगी साढ़े नालों बैटर होए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दी बेटी सीरत कौर मान ने सोशल मीडिया ते एक वीडियो सांझी कीती है, जिस विच उन्होंने खास तौर ते इस गल ते जोर दिता है कि मैं हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नूं पिता कह के संबोधन नहीं कर सकती, क्योंकि पिता कहाउण दा हक मान साहब खो चुके ने, मैं हुण उन्हां नूं मिस्टर मान कह के संबोधन करांगी। इस तों इलावा भी सीरत होरां ने चलदे कैमरे अगे कुछ अजिहियां गल्लां कह दित्तियां जिस नूं सुन के पंजाब दे लोक एक बार सोचा विच पै गए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मेरा नाम सीरत कौर मान आ ते मैं पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी बेटी आ। एक गल मैं पहला ही कहना चाहूंगी कि मैं इस वीडियो च सिर्फ उन्हां नूं मिस्टर मान या सीएम साहब कह के गल करूंगी। मेरे मुंहों पापा सुन दा हक काफी देर तो खो चुके ने। मेरा इस वीडियो बनाउण दा रीजन कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं हैगा, सिर्फ ते सिर्फ ए आ कि मैं चाहनी आ कि साडी स्टोरी भी सामने आए। अज तक जो भी लोगों ने सुनिया वह सिर्फ सीएम साहब के मूहों सुनिया साडे बारे, ते उस गल करके जिन्हां गल्लां सानू सुननियां पईआं ने, जिन्ना कुछ सानू देखना पिया, वह मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ते अज तक असी चुप रहे हां, साडे मदर चुप रहे ने। मैनू लगदा इन्होंने समझ लिया कि साडी चुप साडी कमजोरी आ। इन्हां नू इह नहीं पता कि साडे चुप रहण करके अज वह इस अहुदे ते बैठे ने। पहली गल मैं करना चाहूंगी, मिस्टर मान दे वाइफ डॉक्टर गुरप्रीत मान इज प्रेगनेंट, ओ तीजी वारी बाप बन जा रहे ने। ए गल मैनू पता लगी आ लोकां तों, ए उन्होंने मैनू आप दसना जरूरी नहीं समझिया, अपने बेटे दुलशान नू दसना जरूरी नहीं समझिया। मैं पूछना चाहूंगी कि जिहड़े थोड़े दो जवाक हैगे ने, मैं 23 साल दी आ ते मेरा ब्रदर 19 साल दा होण वाला, आपदे जवाकां नूं तुसी जमा पासे करके साइड ते करके उन्हां नूं भुला के उन्हां दी जिम्मेवारी नहीं लई, तां तुसी एक होर जवाक लैके आउण लगे हो इस दुनिया ते। इहदे पिछे की रीजनिंग आ? दिलशान पिछले साल च दो वारी गया इन्हां नूं मिलण, इन्हां नूं विजिट करन। वह चाहुंदा सी कि मैं आपदे फादर नाल टाइम स्पेंड करा। इन्हां ने उहनूं सीएम हाउस दे विच नहीं आउण दित्ता। बहुत कुछ होया उदों, दोनों वारी जदों गया उत्थे उह साडे फैमिली फ्रेंड्स नाल रहा उत्थे चंडीगढ़ दे विच। एक दिन वह चला गया जां कुछ हो गया कि उहनूं आउण दित्ता, तां उहनूं रात नूं घरों कढ़िया कि तू प्लीज जा इत्थों, तू इत्थे नहीं रह सकदा आपदे बेटे नूं। जिहड़ा बंदा अपने जवाकां दी जिम्मेवारी नहीं चक सकदा, ओही बंदा पंजाब दे लोकां दी जिम्मेवारी किवें चक लू? जिहड़ा कुछ असी देखिया साडी जिंदगी दे विच, ओही ए पंजाब दे लोकां नाल यूज कर रहे ने। डिवोर्स का रीजन इन्होंने ये दस्या सी कि मेरी वाइफ चाहती सी कि मैं पॉलिटिक्स दे विच ना जावां। डिवोर्स दे काफी रीजनस ने ते ओ मेरे मॉम दी स्टोरी है दसण नू, जद ओ रेडी होए ओ जरूर दसणगे, पर कुछ रीजनस मैं दस दिनी हां। शराब पीना, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज टूवर्ड्स माई मदर, झूठ बोलने की आदत एंड इमोशनल ब्लैकमेल। शराब पी के अज भी एक कदे विधानसभा चले जाते हैं, शराब पी के गुरुद्वारे चले जाते हैं, शराब पी के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस दे आते हैं। एक लीडर दे वास्ते जिदे नाल इन्ने लोकां दियां आसां जुड़ियां ने, तुसी इन्नी डिसरिस्पैक्ट कर रहे हो, जिन्ना लोकां ने थोनू वोट पाई आ उन्हां दी ही डिसरिस्पैक्ट कर रहे हो ये गल करके। मैनू तां पता ही नहीं है यू नो
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਬਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਹਕੀਕੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ